गाइस माय नेम इज वैभव और आज हम देखने वाले वियर्ड सी क्रिएचर्स दैट यू हैव नेवर सीन बिफोर, अजीब अजीब से समुद्री जीव। जस्ट लाइक दिस व्हाइट कलर का कुछ तो है, मे बी बॉल। भाई ऐसा कौन सा जीव होता है? ओ ये सैंड के अंदर दशा होता है भाई, वो काट लेगा, जिंदा नहीं है ना वो। ओह माय गॉड भाई, वो पजल, वो मेज होता है ना, उसके जैसा लग रहा है। ओ नो, ओ कितना सफ़ेद है भाई, मतलब इससे सफ़ेद चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी, मतलब सफ़ेद प्राणियों में बता रहा हूँ मैं। अगर आप में से किसी को, किसी जीव को बताओ इस जीव को क्या बोलते, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओ यहाँ पर भी कुछ तो है, ये कुछ तो पकड़ रहा है। ओ जेली, जेली फिश, इट लुक लाइक जेली फिश, जेली फिश जैसा ही लग रहा है। तो ये जो एनिमल है ना, वो मुझे जेली फिश एंड ऑक्टोपस का कॉम्बिनेशन लग रहा है क्योंकि ऑक्टोपस जैसे इसके लंबे हाथ है, नूडल्स जैसे, एंड जेली फिश जैसा उसका सर है, वो डूम होता है उस टाइप का। ऐसे एनिमल्स देखने के लिए हमको चाइना जाना पड़ता है क्योंकि ऐसे एनिमल्स उधर ही होते हैं, लोग उनको ही खाते हैं। वो हाथी की सूंड जैसा ही लग रहा है ये। ओ माई गॉड, कछुआ, कछुआ, नो नो भाई, वो ओ वॉट साप भाई, कितना छोटा है भाई। सीरियसली मैंने ऐसे एनिमल्स पहली बार देखे, मतलब वो हाथी की सूंड की तरह है ऐसे ही। ओह दैट्स रियली स्कैरी। ये क्या है? ओके एक पाइप बिठाया था ताकि इसमें जानवर वगैरह फंस सके। ओके लेकिन क्या है इसके अंदर? वो मछली, वो सांप जैसी मछली है भाई, वो सीरियसली सांप जैसी है भाई, कितनी लंबी है, मतलब सांप भी ऐसे ही दौड़ता है। ओह ये क्या है? ये एक शवल से कुछ तो निकाल रहा है यार, केकड़ा, मे बी इट्स अ केकड़ा। वो दिस इज सो सैटिस्फाइंग, केकड़ा ही है। ओके वो भी इसके ऊपर पानी डालेगा, देन पता चलेगा कि ओ केकड़ा ही है। वो भाई वो कितना डरावना लग रहा है, उसके ऊपर उसके कांटे हैं, मतलब वो काटता वगैरह नहीं है क्या? मतलब केकड़ा तो काटता है, मैंने देखा है। यहाँ पर भी मे बी केकड़ा ही है, नो केकड़ा नहीं है, वो केकड़ा ही है वो, लेकिन बहुत बड़ा वाला। भाई कितना बड़ा है, वो एक पत्थर की तरह लग रहा है। मत अगर ओ, ओ उसके कितने बड़े नाखून, मम्मी अगर मेरे को ये दिख गया होता ना, मेरे पत्थर समझ कर उसको फेंक देता लेकिन वो केकड़ा है, मतलब उसका जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो एक पत्थर की तरह है। यहाँ पर भी कुछ तो है, क्या ये हड्डी की तरह दिख रहा है मुझे? वो भाई ये काटता तो नहीं है ना जानवर, वो उसको उठा रहा है ये, मे बी ये जिंदा नहीं है। वो ये जिंदा है कि नहीं? वो एक शंख है, शंख, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, हिंदी में भी पता नहीं है, उसको मराठी में तो शंख ही बोलते हैं। इतना अजीब शंख है, मतलब नॉर्मली जो शंख होता है उस पर ऐसे कांटे वगैरह नहीं होते, मैंने ऐसा शंख पहली बार देखा जिसमें बहुत सारे लंबे लंबे स्पाइक्स जैसे कांटे हैं। ओ पफर फिश, वो भाई ये सही में होती है पफर फिश? मेरे को आज तक लगता था बस ये माइनक्राफ्ट में होती है। सीरियसली दिस इज अ पफर फिश, आई मीन वो बॉल जैसी भाई, वो काटती नहीं ना, उसके ऐसे स्पाइक्स होते, मैंने सुना है ऐसे कांटे होते उसके अंदर। ओ ये कितनी क्यूट, नहीं क्यूट नहीं, अजीब लग रही है। ओ एक शेल है भाई, वो काटता है, वो जिंदा है क्या? ऐसा लग रहा है उसने उसको पकड़ रखा है। नहीं, ओ वो क्या है भाई, बहुत अजीब अजीब टाइप के जानवर है। ओ केकड़ा, केकड़ा ये काट रहा है, ये भी केकड़ा ही है लेकिन मर चुका है भाई। ओ मर चुका है, सो सैड फॉर दिस केकड़ा। ये क्या है? एक स्नेल है लेकिन बहुत बड़ी भाई, नॉर्मली हमारे यहाँ पर इतनी होती है जो कि दीवार के ऊपर चलती है, कितनी बड़ी है। ओ ऑक्टोपस, छोटा सा ऑक्टोपस है भाई, हमारे यहाँ तो नहीं दिखते ऑक्टोपस, स्टार फिश। ओके ये जिंदा भी होती है मेरे को पता है। ओ भाई ये कितनी बड़ी मछली है, ओ भाई वो काट लेगी, हाथ डाल रहा है उसके मुंह के अंदर। यहाँ पर एक मशीन है जिस मशीन से कुछ तो बाहर निकाल रहे हैं लोग। भाई एनिमल्स को पकड़ने के लिए ऐसी मशीन्स भी होती है, ये कौन सा एनिमल है भाई? जब मैं नेक्स्ट टाइम समंदर किनारे जाऊँगा ना, मैं मतलब किसी भी अनजान चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा भाई, कुछ भी होता है वहाँ पर। ये क्या है? ओ वो हिल रहा है, हिल रहा है, क्या है ये? पेन, पेंसिल। यहाँ पर भी जमीन के अंदर कुछ तो, ये शवल से उसको बाहर निकल रहा है, बट वॉट इज दिस? केकड़ा ही होगा, केकड़े ही होते हैं समंदर के किनारे पर। ओ कुछ तो है, क्या है? ओ ओ ओके यहाँ केकड़ा ही है लेकिन बहुत अजीब है भाई, ये व्हाइट कलर का केकड़ा है। केकड़ा काटता नहीं है क्या? मैंने कभी देखा नहीं केकड़े को काटते हुए। पर एक बहुत बड़ा पत्थर है, पत्थर के नीचे सांप होते हैं, हमारे यहाँ तो सांप ही निकलता है अगर मैं पत्थर के नीचे देखूँ तो, लेकिन यहाँ पर एक केकड़ा है, केकड़ा भाई मैं कितनी बार केकड़ा बोलूंगा आज। ओ उसके बच्चे है भाई, ये कितना छोटा है, व्हाट? बहुत क्रीपी है, बहुत ज़्यादा अजीब है भाई। एक डॉल्फिन में भी समंदर के अंदर फंस चुकी है भाई, वो मर गई है, आओ दिस इज सो सैड, कैसे फंस गई लेकिन वो, एंड वो उसको बाहर खींच रहा है। मर गई है या जिंदा है? आई थिंक वो मर गई क्योंकि यार उसका सर जमीन के अंदर है तो वो सांस कैसे लेगी।
आई गेस वो टाइड वगैरह आती है ना, दैट्स वाई ऐसा हो गया हो। एक शंख है ये उसको बाहर निकाल रहा है। भाई कितना बड़ा है ये, बहुत कुछ ज्यादा ही बड़ा है। नॉर्मली इतना होता है वो बजाते हैं मंदिर में, लेकिन ये बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है ये। भाई ये एनिमल्स इसको कैसे बनाते हैं, मतलब समझ नहीं आता भाई। नेचर, मदर नेचर कितनी कमाल की चीज है ना। एक क्लिप से ये कुछ तो पकड़ रहा है, मछली है मे भी। मछली, बहुत बड़ी मछली है। क्या है भाई, ऑक्टोपस? नहीं ऑक्टोपस नहीं है, कोई अजीब टाइप का जीव है भाई। अगर ऐसा जीव कहीं पर दिख गया समंदर के किनारे तो भाग जाओ भाई, आसपास रुकने का भी नहीं। व्हाट इज दिस ऑक्टोपस? ऑक्टोपस की स्पाइकी है, बहुत क्रीपी है, बहुत ज्यादा क्रीपी है। ओह माय गॉड भाई, उसको हाथ लगाने पे भी, मतलब हाथ लगाने पे मेरे को डर लगेगा, क्योंकि वो कितना अजीब दिख रहा है, ऐसा क्रीपी। एंड लोग इसको खाते, पता नहीं यार लोग कैसे खा लेते ऐसी चीज है। यहाँ पर भी जमीन के नीचे कुछ तो है। ये सो सैटिस्फाइंग, आई मीन दिस इज सो सैटिस्फाइंग। वो लेयर्स निकल रहा है उसके, लेकिन इसके अंदर कुछ तो है। ओके, उसने कुछ तो डाला लिक्विड टाइप का, एंड अभी में भी वो बाहर निकलेगा, ऐसा ही होता है ना। वो निकल रहा है, कुछ कुछ तो बाहर निकल रहा है वो चीज खाने के लिए। वो क्या था, लेकिन बहुत अजीब था, डर लगा, बहुत अजीब था ये। ये क्या चीज है, छोटा सा एक शेल है। ओ ये क्या है, ब्लू कलर का ऑक्टोपस? ओ नो, ओ आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बहुत ज्यादा भूतिया लग रहा है मेरे को। ब्लू कलर, ये इसका सर डोरेमोन की तरह लग रहा है भाई। ये जेलीफिश ही है, आई थिंक इट्स अ जेलीफिश, क्योंकि जेलीफिश ऐसी दिखती है। ओके, यहाँ पर भी कुछ तो ये शवल से बाहर निकल रहा है। शवल से जब कुछ बाहर निकलता है उसमें केकड़ा ही होता है। दिस इज सो सैटिस्फाइंग मैन, रेत को बाहर निकलने में सेटिस्फाइंग फील होता है, लेकिन यहाँ पर केकड़ा ही। ओ भाई ये कितना डरावना लग रहा है, रेड कलर का है भाई। भाई रेड कलर के भी केकड़े होते हैं, सीरियसली कभी आज तक मैंने केकड़ा रियल लाइफ में देखा भी नहीं, लेकिन यहाँ पर तो रेड रेड कलर के भी केकड़े होते हैं, मैंने आज तक बस फोटोज में देखा या वीडियोज में देखा या अभी देख रहा हूँ मैं। यहाँ पर भी एक जाली का बर्तन है, एंड इससे ये कुछ तो निकाल रहा है। वो क्या ये, इतनी सारी मिट्टी, लेकिन अभी ये पानी से धुल जाएगी, एंड देन इसमें कुछ तो है, समथिंग इनसाइड इट। ओके, बहुत सारे शंख है, बहुत सारी शेल्स है। ओ ये क्या है, व्हाट इज दिस, ओ दिस इज सो सैटिस्फाइंग। ये जिंदा नहीं है ना, आई डोंट थिंक सो, इसकी ये जिंदा है, पता नहीं क्या था भाई। ओ एक मछली है, भाई प्लीज उसको मारो मत यार, मछलियाँ बहुत क्यूट होती है, लोग उसको क्यों खाते हैं पता नहीं यार। ओ ट्रांसपेरेंट फिश भाई, वो उसका स्किन कितना, आई मीन स्किन कलर कितना ट्रांसपेरेंट है भाई, ऐसी भी मछलियाँ होती है। ओ ये कितनी लंबी है, मछली है ना या कुछ और है, सांप भाई ये ट्रांसपेरेंट है, सीरियसली आर यू किडिंग मी। वो एक सांप है, नहीं मछली है, दोनों है, सांप मछली भाई, वो रेंग रहा है सांप की तरह। मछली, ऐसी मछलियाँ भी होती है भाई। भाई सीरियसली मेरे को डर लग रहा है, अभी समुद्र में जाने से भी मैं डरूंगा भाई छोड़ दे उसको, पानी में छोड़ दे भाई। 1 lakh फॉर दिस मछली, अगर ये मर गई तो यार पाप लगेगा, सो 1 lakh फॉर दिस मछली। अबे छोड़ दे उसको जमीन में, आई मीन पानी में। वो एक मछली का कंकाल है, व्हाट, मछली का कंकाल पहली बार देखा है मैंने, सीरियसली कभी आपने मछली का कंकाल देखा है? अगर देखा होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ऐसा समुद्र किनारे है मैंने पहली बार देखा। ओके, उसको बाहर निकाल रहा है। वो एक मछली ही है भाई, वो पानी के अंदर फंस चुकी है, लेकिन वो सांस कैसे ले रही है। ओके, अगर थोड़ी भी नमी होगी तो मे भी वो सांस ले सकती है, मे भी ये वेव्स की वजह से समुद्र किनारे आ चुकी है। देखो उसके फेफड़ों में भी पानी चला गया, यार प्लीज पानी में छोड़ दे उसे, बचा ले उसको। यहाँ पर भी एक मछली है जो कि पानी से बाहर है, प्लीज यार बचा लो, समबड़ी सेव हर हिम, जो भी है छोड़ दे, शाबाश शाबाश शाबाश, ये अच्छा बंदा है भाई, अच्छा बंदा है, इसने उसको पानी में छोड़ दिया, छोड़ दिया ना, हाँ छोड़ दिया भाई, ये सही में अच्छा इंसान है, मेरे को लगा वो खा जाएगा। यहाँ पर भी एक मछली है जो पानी के अंदर फंस चुकी है, आई मीन रेत के अंदर, भाई प्लीज कोई बचा लो उसको। ये टाइड की वजह से होता है, मतलब यार कितनी मछली ऐसी देन मर जाती होगी समंदर किनारे ही, मतलब पानी तो पास में ही है, ले बचा ले भाई उसको, प्लीज 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 बचा ले उसको, पानी में छोड़, पानी में, पानी में,
भाई तेरे को पुण्य लगेगा, प्लीज पानी में छोड़ दे उसको भाई, उसने नहीं छोड़ा, पाप लगेगा उसको। अगर आज के लिए बस इतना था एंड आई होप आपको ये वियर्ड क्रिएचर वाला वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आप चाहते हो मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।